देखिए, आई एम नॉट अ वेरी वेल कनेक्टेड पर्सन हु हैज़ यू नो कनेक्शंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड, लेकिन मेरे दिमाग में ये बहुत ज़्यादा वो था कि आई शुड स्टार्ट डॉची. और फिर जिससे भी मैं बात करूँ, नो बडी इनकरेज मी अबाउट इट. और आई वॉज गेटिंग नो वे बिकॉज उसकी ओरिएंटेशन ठीक नहीं थी. अच्छा, तो मैं पढ़ाती थी NCMA फॉर अ डिग्री, बट आई फाउंड माई कॉलिंग कि मैं ना कुछ क्राफ्ट्स के लिए करूँ. बट इवेंचुअली वॉट हैपेंड वॉज कि मेरे थॉट प्रोसेस भी बेहतर हुआ एंड द मोर डायमेंशंस एडेड टू इट. अब क्योंकि मेरी तालीम हुई थी कॉन्वेंट की और हमें इकबाल से भी दूर रखा था, हमें अपनी आइडेंटिटी का इतना पता भी नहीं था. तो फिर आहिस्ते आहिस्ते जब मैंने इकबाल के बारे में पढ़ा और कुरान का मतलब से समझने लगी, तो मैंने देखा सारी जो ये हमारे प्रॉब्लम्स जो हम इस सोसाइटी में फेस कर रहे हैं, ऑल स्टेम्स फ्रॉम आर नॉट बीइंग प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स. सो कि हम दीन की तरफ तो बिल्कुल रिचुअल्स तक हम रह गए, नमाज, रोज़ा, ज़कात और फिंगर पॉइंटिंग पे, ये मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं है. हमें चाहिए कि अपनी नई नस्ल को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी अता करें, एंड दैट्स अबाउट इट. अगर हम ये करें तो फिर वी राइज़ एज़ अ नेशन.